नमस्कार साथियों, ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर 10 सालों में ऐसे क्या कारण रहे हैं कि ईपीएस 95 का मुद्दा सॉल्व नहीं हो पाया। आखिर ये क्या मोटे मोटे कारण रहे जिससे सरकार और ईपीएफओ तक हम जस्टिफाई नहीं कर पाए कि मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी की जो मांग है वो जायज़ है और आपको इसको सॉल्व करना चाहिए। हालांकि आश्वासन जरूर मिला है सरकार से, लेकिन उसको रिजल्ट में अभी तक परिणित नहीं किया गया। तो आज इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण अपडेट हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पॉइंट वाइज ये डिस्कस किया गया है और बताया गया है कि आखिर क्या क्या कारण रहे हैं कि आज तक हमें न्याय नहीं मिल पाया और हम फेल हो रहे हैं। तो साथियों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, अंत तक आप वीडियो के साथ में बने रहेगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो सारे रीजंस हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये करीबन 5 रीजंस हैं जिसमें पॉइंट वाइज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये इंग्लिश में है, मैं आपका हिंदी में ट्रांसलेट करता चलूंगा ताकि सारे हिंदी व्यूअर्स को भी सब कुछ समझ में आ जाए। तो यहाँ पर लिखा है कि रीजन फॉर नॉन सेटलमेंट ऑफ ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन इश्यू बाय ईपीएफओ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल टुडे एंड डेप्रिवेशन ऑफ ईपीएस 95 पेंशनर्स एंड मेंबर्स ऑन हायर पेंशन इशू एज ऑन डेट बाय डिलेइंग इश्यूएंस ऑफ डिमांड लेटर फॉर हायर पेंशन पीपीओ। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि क्या क्या रीज़न रहे हैं कि आज तक ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन का सेटलमेंट नहीं हुआ है गवर्नमेंट और ईपीएफओ के द्वारा, और इसके अलावा हायर पेंशन का मुद्दा भी अभी तक सॉल्व नहीं हुआ और डिमांड लेटर में डिले किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो पहला मेन पॉइंट है वो है नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेजॉरिटी ईपीएस 95 पेंशनर्स एंड मेंबर्स एंड देयर रेस्पेक्टिव एसोसिएशन। मोर देन 95% ऑफ यू क्रोर्स ऑफ टोटल ईपीएस 95 पेंशनर एंड मेंबर्स। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो मेजॉरिटी जो ईपीएस 95 का पेंशन ले रहे हैं वो इन सारे आंदोलनों में सहभागी नहीं होते हैं। जो रेस्पेक्टिव एसोसिएशन है वो भी इन्वॉल्व नहीं होती है, जिसमें ट्रेड यूनियन होती है, सेंट्रल ट्रेड यूनियन डायरेक्टली इन द ऑन गोइंग एग्रीशन और लीगल प्रोसेस, जो भी लीगल प्रोसेस होता है या धरना प्रदर्शन विरोध प्रदर्शन होता है उसमें ईपीएस 95 की जितने भी एसोसिएशन है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती है। ये भी एक कारण है कि ईपीएस 95 का मुद्दा पेंडिंग चल रहा है। दूसरा कारण है मेजॉरिटी ईपीएस 95 पेंशनर एंड मेंबर्स, मोर देन 90% ऑफ फ्यू क्रोर्स ऑफ टोटल ईपीएस 95 पेंशनर एंड मेंबर्स आर नॉट अवेयर अनटच्ड ऑफ दीज पेंशन इश्यूज। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं 90% जो ईपीएस 95 पेंशनर है वो इन मुद्दों से अछूत है, उनको पता ही नहीं है वो एक मुद्दा भी है या नहीं है या पेंशन का क्या इश्यूज चला। 90% ईपीएस 95 पेंशनर को ये पता ही नहीं है। तीसरा है लैक ऑफ यूनिटी अमंग्स ऑल कंसर्न ईपीएस 95 एसोसिएशन ऑफ ईपीएस 95 पेंशनर एंड मेंबर्स हु आर इन्वॉल्व इन द एग्रीगेशन और लीगल प्रोसेस। तो यहाँ पर कह रहे हैं जो यूनिटी है वो भी कहीं ना कहीं लैक कर रही है। जितने भी कंसर्न एसोसिएशन बने हुए पूरे भारतवर्ष में, चाहे एनएससी हो या दूसरे केंद्रीय दल हो, उनमें आपस में एक सामंजस्य नहीं है, जिसके कारण भी हमें लीगल प्रोसीडिंग और एग्रीटेशन में इसका नुकसान देखने को मिलता है। चौथा कारण है लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज ऑफ मेजॉरिटी ऑफ ऑल कंसर्न ईपीएस 95 पेंशनर्स एंड मेंबर्स एज वेल एज देयर रेस्पेक्टिव एसोसिएशन लीडरशिप्स हु आर इन्वॉल्व इन द एग्रीटेशन और लीगल प्रोसेस। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज भी एक कारण है। जितने भी मेजॉरिटी ईपीएस 95 पेंशनर है और उनके जो सदस्य हैं या फिर जितने भी एसोसिएशन है और उनके जो लीडरशिप है, उनमें एक प्रॉपर नॉलेज की कमी है, लीगल नॉलेज की कमी, जिसके कारण भी हम आज तक ईपीएस 95 के मुद्दों को सोल्व नहीं कर पाए। टू गिव प्रॉपर लीगल जस्टिफिकेशन टू ईपीएफओ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एट द कोर्ट ऑफ मिनिमम पेंशन और हायर पेंशन इश्यूज एंड देयर अनविलिंगनेस टू नो दीज इश्यूज प्रॉपरली विद लीगल aspects। तो यही कारण है कि हम प्रॉपर लीगल जस्टिफिकेशन नहीं दे पा रहे हैं ईपीएफओ को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या फिर कोर्ट को कि मिनिमम पेंशन और हायर पेंशन के मुद्दों को किस तरह से सोल्व किया जाए और उसका क्या लीगल aspect है, वो भी ये लीडरशिप और ईपीएस 95 पेंशनर और एसोसिएशन नहीं प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज है। पांचवा जो मेन पॉइंट है वो है वेरियस एजेंसी स्पेशली मेनी सोशल मीडिया चैनल्स एज वेल एज मेनी ईपीएस 95 पेंशनर्स एंड मेंबर्स आर कॉन्स्टेंटली गिविंग ओपिनियन लॉजिक्स अगेंस्ट दिस मिनिमम पेंशन। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं बहुत सारे मीडिया चैनल्स हैं और ईपीएस 95 पेंशनर और मेंबर्स हैं वो लगातार अपनी ओपिनियन और लॉजिक देते हैं सोशल मीडिया पर
मिनिमम पेंशन के अगेंस्ट में कि ये क्यों नहीं हो सकता, इस कारण से नहीं होगा, ये तो ऐसा ही चलता रहेगा। हाँ, तो मतलब वो अगेंस्ट में बोलते हैं मिनिमम पेंशन, तो ये भी एक मोटा मोटा कारण है। और दूसरा है कि हायर पेंशन इश्यूज एट सोशल मीडिया एंड मेनी अदर ईपीएस नाइन पेंशन एंड मेंबर्स आर बिलीविंग दैट विदाउट नोइंग दिस इशू प्रॉपरली। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं, मेंबर्स हैं, जो अननेसेसरी हायर पेंशन के इशू को सोशल मीडिया पर बिना किसी प्रॉपर नॉलेज के शेयर करते हैं और लॉजिक देने की कोशिश करते हैं, तो ये भी एक मोटा कारण है। तो साथियों, आप देख सकते हैं ये 5 मेजर कारण हैं जिसकी वजह से आज तक ईपीएस 95 और हायर पेंशन का मुद्दा सोल्व नहीं हुआ है, जिसमें मोटा मोटा यही बताया गया है कि जितने भी पेंशनर्स हैं, 95% तो ऐसे हैं कि जिनको ये पता ही नहीं है कि ये एक इशू है, उनको जो भी पेंशन मिल रही है वो ले रहे हैं और उनको यही नहीं पता देश में इस मुद्दे को लेकर आंदोलन हो रहे हैं, धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। तो सबसे मेजर तो यही है कि उनको इन्वॉल्व करना ज़रूरी है। इसके अलावा जितने भी यूनिट्स हैं, जितने भी कंसर्न एसोसिएशन हैं, उनको एक होकर एक साथ धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन करना होगा, तभी जाकर इस पर विजय प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा प्रॉपर नॉलेज और लीगल नॉलेज भी हमें लेनी होगी, जितने भी एसोसिएशन है, लीडरशिप है, उनको लीगल आस्पेक्ट देखते हुए EPFO और गवर्नमेंट को अप्रोच करना होगा, जस्टिफाई करना होगा, तभी ये मुद्दा सॉल्व हो पाएगा। तो साथियों, आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये 5 पॉइंट में सारांश निकाला गया कि किस तरह से EPS 95 का मुद्दा अभी तक पेंडिंग है। तो साथियों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर टाइप करिए, और इसके अलावा अगर आपकी कोई राय है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह की वीडियो और प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।